और इस तरह बिकॉज महाकाली ने चन और मून नाम के राक्षसों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनका सेकेंड नाम रखा गया देवी चामुंडा। नाइस, वेरी नाइस। हे टैलेंट प्रतीक, वेरी गुड स्टोरी। अच्छा, और कोई स्टोरी सुनाना चाहता है या डिनर ब्रेक करे? एक्सक्यूज मी, और कितना टाइम? 20 मिनट। मिस यस चाकी चाकी, हमें सुनानी है कहानी। ओके जैकी चकी, तो जल्दी से सुनाओ कहानी। जैकी चकी, तुम दोनों भी राक्षस वाली कहानी सुनाने वाले हो? नहीं, हम हमारे घर की बड़े लोगों की कहानी सुनाने वाले हैं। ओ माय गॉड, इसका मतलब हंसा प्रफुल, बाबूजी जयश्री और हिमांशु की कहानी। हाँ, एक तरह से तो राक्षसों की कहानी ही हुई रीटा। एक दिन जब भगवान घर घर जाकर अकल बांटने निकले थे, तो कुछ लोग घर पे नहीं थे, इसलिए उन्हें अकल नहीं मिली। लेकिन जब भगवान अकल बांटने हमारे घर आए थे, तब हमारे घर के बड़े लोग तो घर पे थे। फिर भी बड़े लोग बड़े लोग। जय श्री। हाँ। ओ जय श्री। हाँ पापा। हाँ। चाय ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं? ला रही हूँ भगवान। कुमार कुरकुर कुमार। जय श्री। आई पापा आई। ये लीजिए आपकी चाय। आज तो आपको चाय के साथ नाश्ता भी मिलेगा, उपमा। आज मुझे क्यों नाश्ता? वो काम वाली बाई नहीं आई ना, किसे देती? आज तो भिखारी भी नहीं आया। हेलो बा, जय श्री। खबर में तो काम वाली बाई नहीं आई, बर्तन का ढेर पड़ा है किचन में, किससे साफ करवाऊं? बच्चे तो स्कूल गए हैं ना पढ़ाई करने, क्लास में फर्स्ट आते हैं। जय श्री। मैं बाद में फोन करती हूँ, बाबूजी बुला रहे हैं। जयश्री। हाँ जिंदा है अभी, क्या है? जयश्री, उपमा कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ हाँ, हड़बड़ी में गिर गया था ना ये उपमा मुझसे जमीन पर। हाँ तो? तो प्रफुल भैया, मैंने उनसे कहा प्रफुल भैया वहाँ उपमा गिर गया है, आप उसे उठा के बाद में फिनाइल का पोछा मार देंगे। तो उन्होंने पहले फिनाइल का पोछा मारा, बाद में उपमा उठाया। कैसा है? वाहियात वाहियात, बकवास है ये उपमा। फिनाइल फिनाइल कैसा है बाबूजी? कल ही सुपरमार्केट से चुरा के लाई हूँ भगवान। चश्री चश्री, फिनाइल जहर होता है, मैं मर गया तो? नहीं हाँ, आज मत मरना। एक तो काम वाली बाई नहीं आई, ऊपर से बच्चों के एग्जाम सर पर है। पर वेकेशन तक रुक जाइए, बाद में मैं ही आपको। हर्ष बाई आ गई। अरे पर हाँ हाँ, वासंती आ रही हूँ। मैं ईश्वर हूँ, बुद्धि देव, अकल के लड्डू मारने आया हूँ। मुझे लगा काम वाली बाई आई है। अरे कोई ईश्वर आए हैं। हटिए। अरे सुनो सुनो बेटी। सुनो वाड़ी, भाई ढूंढने जाना है। साथी कुमार, तेरे घाटकों पर तक छोड़ देंगे। प्रभु प्रभु आयुष्मान दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, जीवन सफल हो गया मेरा। घाटकों पर में पार्किंग नहीं है सारथी। आइए आइए आइए। अरे हंसा प्रफुल, आइए 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 आइए, पधारिए, विराजिए प्रभु विराजिए। हंसा, हिमांशु, प्रफुल। कहाँ मर गया गधा? मैं यहाँ हूँ बाबूजी। Ha 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 ha
ये है मेरा बड़ा बेटा प्रफुल्ल। मैं हूँ प्रफुल्ल, मेरा नाम प्रफुल्ल है। लोग प्रफुल कह के जब मुझे बुलाते तब मैं जवाब देता हूँ, मैं मेरे मुंह से। अरे बस अधे, हंसा कहाँ है? बाबूजी मैं हूँ ना, मैं बुलाता हूँ। हंसा हंसा, क्या है प्रफुल्ल? व्हाट इज? मेरे बुलाने पर आ रही है। मैं तो थक गई भाई साहब। ये है मेरी बहू हंसा। हेलो, हाउ आर? खाना खाके जाना? अरे क्या खाना खाके जाना, पहले पानी का तो पूछो हंसा। आपके यहाँ पानी कितने बजे आता है? हाँ अरे मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूँ हंसा। क्या पानी? ए बब्बू, अब ये खाइए, मैंने अभी अभी ताजा ताजा बनाया है। अच्छी चीज है। किस चीज से बनी है? वो लेडीज लोगों के गाल होते हैं ना, वैसी मुलायम मुलायम मलाई में से। ओ, ये हंसा का भाई? हाँ, हिमांशु। और मैं ईश्वर। अच्छा, करते क्या है? ईश्वर जिनके मंदिर बनते हैं। रजनीकांत, एन्नीवासी थन्नीवासी। अरे ईश्वर भगवान परमेश्वर, मैं अकल के लड्डू बांटने आया हूँ। अच्छा अच्छा, परमेश्वर मतलब गॉड, ऊपर वाले? हाँ। अरे भाई ऐसे वस्त्र और मुकुट पहन के आया हूँ तो भगवान ही होगा ना। ओ बाबू, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया हो और उसमें आप भगवान बने हो। है? हम तो हर साल लेते हैं फैंसी ड्रेस में हिस्सा। पिछले साल है ना, मैं टीचर बनी थी। आप देखिए, ये टीचर है? है तो फिर पढ़ाती क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त तो घर पे बैठी है। या टीचर तो स्कूल में होगी तभी पढ़ाएगी ना, ऐसा 24 घंटे थोड़ी बोलेगी। बी फॉर बिरयानी, डी फॉर ढोकला, जी फॉर मसाला, एम फॉर मसाला। मैं गरम मसाले की बात कर रहा हूँ। तो आप घर बैठी हुई टीचर बनी थी? हाँ? है? ये लोगों की समझ में आया था? हाँ? इसलिए तो हंसा को पहला इनाम मिला था। पहला इनाम? है? तो आप लोग क्या बने थे? हिमांशु दाल बना था। हिमांशु। गोरमा गोरम दाल। ये दाल है? है? जमीन पर गिरी हुई है? और वो देखिए बाबूजी, वो दाल का पतीला बने थे। लेकिन वो तो ऊपर है। हाँ तो पतीला नहीं गिरा था, सिर्फ दाल गिरी थी। सेकंड प्राइज। जरा मेरा वो, एक मिनट एक मिनट, मेरे प्रफुल्ल क्या बने थे वो तो देखते जाइए। एक प्रफुल्ल। ये क्या है? ताजमहल, ताजमहल, मैं ताजमहल बना था। एक मिनट, आप टीचर ये दाल ये पतीला ये सब समझे। हाँ। लेकिन आप ताजमहल जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। अरे प्रफुल्ल महाभारत के टाइम के ताजमहल बने थे। महाभारत के समय ताजमहल था ही नहीं। हाँ तो इसलिए तो मैं नहीं दिखता ना ताजमहल जैसा। बाबू थोड़ी तो अक्ल इस्तेमाल करो। और हमें अक्कल के लड्डू बांटने निकले थे। आपको भगवान किसने बनाया हो? ए, सुनो सुनो, कहते हैं कि भगवान की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती, लेकिन हमारे बड़े लोगों के सामने बेचारे भगवान की नहीं चली।
चले तो इन्हीं बड़े लोगों की एक कहानी सुनते। कहानी का नाम है एक भंगर लव स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक काली भयानक रात से, है? जब बड़े लोग चक्कू सिंह के घर गए। जयश्री, अरे जयश्री, बापू, क्या हुआ? जयश्री जयश्री क्यों कर रहे हो? ये देख मंचु, देख ये देख। ये तो चक्कू सिंह। अब क्या होगा? क्या होगा क्या बाबूजी? हिमांशु पे चोरी की बजाय इसके खून का इल्जाम लग जाएगा। उमर कैद बस। योर ऑनर, कटघरा में खड़ा ये मुलजिम असल में एक खतरनाक गुनेगार है, जिसने चक्कू सिंह आलूवाला की बड़ी बेरहमी से छुरा मारकर हत्या करने की कोशिश की, और ये मैं साबित करके रहूंगा। मतलब हिमांशु मामा पर खून का इल्जाम लगने वाला था? हाँ। और फिर भी वो खुश थे? हाँ। वे, ये चक्कू सिंह कौन है? अरे वही जिसका खून। चाकी, कहानी का क्लाइमेक्स अभी से क्यों बता रहा है? अरे चलेगा। चुप। एक्चुअली खून, उमर कैद, चक्कू सिंह, ये सब भूल जाओ। कहानी की शुरुआत होती है एक मनहूस फोन से। अरे पापा जोर से धक्का लगाओ, पिक्चर यही खत्म हो जाएगी। हमारी पिक्चर शुरू हो जाएगी। आपने चार चार हाथ से खाना तो खाया था? अरे चुप रे। फोन है। वेरी गुड चक्की। अच्छा अभी ये बता, ये क्या है? व्हाट इज? ओहो हंसा, फोन है मतलब फोन आया है। ओ, अच्छा। हेलो जैसी, फोन ले जाकी। हंसा हंसा, बुरी खबर है, तुम्हारे पापा आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हाय हाय, किसकी? अरे खुद की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और तुम्हें और हिमांशु को याद किया है। अच्छा। ए, मम्मी, हिमांशु मामा को फोन लग गया। हाय हाय, कैसे लग गया? कहाँ लग गया? उसे ज्यादा तो नहीं लगा फोन? आज एक से एक बुरी खबर मिल रही है प्रफुल्ल। हौसला रखो अल्टा, हौसला रखो। तू जल्दी से अपने पापा के घर पहुंच, उन्होंने मरना शुरू कर दिया है। मैं ये टिकट ब्लैक में बेच के पहुंच रही हूँ। पापा, अभी आपकी उम्र क्या है? पता नहीं मैं चंद्रकांत भाई। प्रफुल्ल। हंसा हंसा मेरी बच्ची, मत रो। अच्छा, कभी ना कभी सभी को जाना पड़ता है ना? हाँ। मेरे प्रफुल्ल को तो कल रात 5-6 बार जाना पड़ा था भाई साहब। वो तो एसी बहुत तेज था इसलिए। हंसा हंसा, प्रफुल्ल समधी जी बाथरूम जाने की बात नहीं कर रहे हैं। चंद्रकांत भाई, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे तो बस हिमांशु की चिंता है। पापा, पापा, ये क्या हो गया? पापा, अब मेरी बारात में कौन नाचेगा? पापा, हम नाचेंगे हिमांशु। और वैसे भी पापा को कहाँ अच्छा डांस करना आता है? नवरात्रि में तो कैसा बंगाल डांस किया था आपने। अरे अंसा चुप करो, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। बेटा मैं इतना बुरा डांस नहीं करता, और फिर वो गरबा की वो स्टेप्स, केसरिया रंग माने। ये शुरू हो गए। क्या हुआ? अरे फटाफट अपनी आखिरी इच्छा बोल रहे हैं या बाहर वाले से बुलवाऊं? चलिए बोलिए फटाफट। तुलसीदास भाई, आप तो जानते ही हैं, ये मेरा हिमांशु बहुत ही भोला सुंदर कल्चर्ड है। ओहो प्रफुल्ल, कल्चर्ड मतलब? कल्चर्ड अंसा, अरे अपना वो मुरली नारियल वाला, वो नारियल तोड़ते तोड़ते थक जाता है तो उसकी माँ चिल्लम्मा उसे नहीं कहती, बेटा तू नारियल तोड़ते तोड़ते थक गया तो नारियल के पेड़ पे कल्चर्ड कल्चर्ड। अच्छा अच्छा, कल्चर्ड कल्चर्ड। अच्छा, कल्चर्ड कल्चर्ड। नहीं नहीं,
कल्चर्ड का मतलब हंसा बेटा क्या है? कल्चर्ड का मतलब मैं समझा दूंगा। अच्छा, आप अपनी आखिरी इच्छा बोलिए ना फटाफट। हिमांशु का बरसों से एक इकलौता सपना रहा है, उसे पूरा कर देना। जरूर पूरा करूंगा, लेकिन वो सपना है क्या? यही कि उसकी उसकी उस उसकी उसकी क्या? हाँ हाँ, उसकी जल्दी जल्दी चंदू भाई, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हिमांशु का इकलौता सपना क्या है? बाबूजी, हाँ, हिमांशु को पता है और मैं जिदा हूँ। सिर्फ पापा चल बसे हैं बॉस। है, हाँ। हिमांशु, पापा, 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 ये क्या हो गया पापा? वन टू थ्री, वन टू थ्री। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि चंद्रकांत भाई गुजर गए हैं, तो श्री चंद्रकांत भाई त्रिभुवनदास शेठ की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए हम ये भक्ति गीत पेश करेंगे। बीड़ी जलाई ले, दीपा शबास। भाग गए हैं, तो चलिए तब तक दूसरे भजन की तैयारी। मैं तो थक गई प्रफुल्ल। अरे जयश्री, तू ऐसे रोएगी तो कैसे चलेगा? क्या करूं बाबूजी, आज भी काम वाली नहीं आई, आज तो स्त्री वाला भी नहीं आया। भगवान देखिए ना, इसीलिए मुझे ऐसी सिलवटों वाली साड़ी पहननी पड़ी। भाई हौसला रखो, जा हौसला रखो। नहीं बड़ी बहन, नहीं। अच्छा अच्छा, पापा की पहली पसंद पानी पूरी। लो खाओ सा। वाह जयश्री बेटा, तू भी ले, ले। एक मिनट, पानी में पुदीना कम है। पापा, जब मुसीबतें आती है तो सब साथ में आती है। हमारा अगला भक्ति गीत मर्डर फिल्म के सुप्रसिद्ध भजन भीगे होठ तेरे। बाबूजी जरा पकड़िए आप, चलिए हम भजन सुनते हैं। चटाई पकड़ो, सिल गए होठ तेरे, दम तोड़ दिया तूने सबका साथ, क्यों छोड़ दिया? जुबा थम गई, बोलती बंद हुई, ठंडे पड़ गए हाथ, जीना छोड़ दिया। श्रीमान चंद्र कांत अब ना लेंगे सांस, उनका तो हो चुका स्वर्गवास। वो ओ वो ओ, come on everybody, think with me, come on! तू मेरी बात सुन। चंद्रकांत अंकल की आखिरी इच्छा थी कि हमें तेरा सपना पूरा करना है। हाँ। वो सपना क्या है? ऋषि बहन, मेरा सपना है कि
ऐसी पानी पूरी जैसी तीखी मीठी लड़की के साथ मुझे प्यार हो जाए, पीछे धूम धाम से मेरी शादी हो, पीछे ढेर सारे बच्चे हो, पीछे जयशी बहन, मैं चाहता हूँ कि मेरी महान प्रेम कहानी बने, अमर, यादगार, इतिहास के पन्नों पर लिखी जाने वाली, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी, राम तेरी गगा मेली, टार्जन, पॉपी गुड़िया। समझ गए, लेकिन हिमांशु, तेरी महान प्रेम कहानी को अंजाम देने के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ेगी। हाँ। उसके बारे में सोचा है? ए, प्यार व्यार हुआ है किसी से? कोई बात नहीं, अब तेरे लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। अरे जयश्री, वो मरते हुए चंद्रकांत भाई से मैंने वादा किया है। अब वे 6 महीने से घर के लिए एक बाई ढूंढ पाए, हिमांशु के लिए लड़की का तंबुरा ढूंढेंगे? आप जाके घर के लिए बाई ढूंढिए। हिमांशु के लिए लड़की मैं ढूंढूंगी भगवान। हेलो बा, जय श्री। हेलो ज्योत्सनाताई, जय श्री। हेलो जॉनी ब्रह्म कुमार, जय श्री। हिमांशु के लिए तबला तोड़ लड़की ढूंढनी है। अरे बापा, करोड़पति बाप की एकलौती बेटी होगी तो भी चलेगा। हिमांशु की डिटेल्स लिखिए। हाइट, हील वाले शूज पहनता है तो 6 फीट, शूज निकलते तो 5 फीट। उम्र यही कोई 20-32 साल। इन्होंने पागल लड़की नहीं है, बाबूजी है ना, एक साथ कितने को संभालू। हेलो ग्रेट मॉडर्न सर्कस, जय श्री। ओबामा कुमार, जय श्री। हाँ हाँ, घर के बाहर नॉन वेज खाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर बाबूजी को भी खा सकती है। हो गया, पूरे वर्ल्ड में तेरे रिश्ते की बात फैला दी है। अब तो देखना, तेरे रिश्ते के लिए लड़कियों के फोन आने बंद ही नहीं होंगे भगवान। भाई ढूंढने गोवा चली गई जैसे, और ये दोनों बैठ के कैरम खेल रहे हैं। सारा काम मुझे करना पड़ता है। फोन बजा हिमांशु। भगवान के घर में देर है पर मच्छर नहीं है बोईसा। अंधेर नहीं अंसा। हाँ तो इसलिए तो मच्छर नहीं है, मच्छर अंधेरे में ही आते हैं बाबूजी। किसका फोन है हिमांशु? ये हमारा फोन है बाबूजी। सामने कौन है ऐसे पूछिए। कौन है, कौन है? हमारे पड़ोसी परमिदर परिवार के लिए है। अच्छा। बुला के लाता हूँ। ओ परमिदर, तुम में से किसी एक के लिए फोन है। अच्छा जी। हेलो परमिंदर स्पीकिंग, चवन प्राश? नहीं नहीं, मैंने ऑर्डर नहीं दिया था जी, कोई और परमिंदर होगा। नेक्स्ट। नल नल कर, चलो चलो सारे आराम से हैं, सबको मौका मिलेगा, और लाइन नहीं तोड़नी बिल्कुल भी। हाँ जी हाँ जी, मोबाइल जी, नो तुलसीदास, ओनली परमिंदर। चलो ठीक है ठीक है, थोड़ी बारी जरूर आएगी। अरे चक्कर परिवार है ये, घर के सारे सदस्यों का नाम परमिंदर क्यों रखा होगा? 65 लोगों का परिवार है बाबूजी, सबके अलग अलग नाम रखने जाते हैं तो कितने नाम याद रखने पड़ते, ये तो सोचिए। दिमाग को कितनी तकलीफ पड़ती भाई साहब। अरे पर खोचे निकालने, बस खोचे। हिमांशु, हिमांशु, जैसी बहन, या बाबूजी को देखिए ना। बाबूजी को डाल डिक्की में। अरे पर वो अभी आप अंदर ही रहिएगा, खाना पीना सब अदर भिजवा देंगे। इसे छोड़, हिमांशु, हिमांशु, तेरे लिए तबला तोड़ लड़की का रिश्ता आया है। करोड़पति बाप की एकलौती बेटी है। अच्छा, माँ मर गई है, बाप को हम जहर पिला देंगे। अरे पर लड़की कैसी है? वर्ल्ड बेस्ट A1, एक
प्रॉब्लम है। क्या? उसे थोड़ी मूछे हैं। क्या 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 मूछे? हाँ दे मुझे नहीं है मूछे। कमजोरी किस इंसान में नहीं होती? ऐप ढूंढने आपने बस ऐप। और फिर हम उस लड़की को देखने रविवार को जा रहे हैं। और रविवार को वो दाढ़ी मुझ बनाती तो साथ में दाढ़ी करेंगे। जैसी बन आप बस मेरी बात चल रही है और मेरी महान प्रेम कहानी शुरू करवाई है, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे बाबूजी बुलबुल बुला रही है, जाइए। बाबूजी बाबूजी वर्ल्ड बेस्ट गर्ल है हिमांशु। हेलो हाउ आर खाना खाके जाना हो? क्या खाना खाके जाना हंसा, हम उनके घर आए हैं। अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो हम रिश्ता पक्का समझे? बैठिए बैठिए बैठ जाइए। नमस्ते नमस्ते। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ? कभी नहीं, हमें फटाफट मिल जाता है हमारा मकान हमेशा, है ना? वो उनके मकान की बात कर रहे हैं। तो हम रिश्ता पक्का समझे डिसिल्वा कुमार? पहले जान पहचान हो जाए। हाँ अच्छा अच्छा, ये मेरी बेटी। अच्छा फिर तो आप इसे अच्छी तरह पहचानते होंगे, है ना? बाप हूँ इसका, बाप तो बेटी को अच्छी तरह ही पहचानेगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है, मेरा दोस्त दक्षेश तो बिल्कुल नहीं पहचानता एलिजाबेथ को, है ना? हाँ हाँ, लेकिन वो तो इसलिए क्योंकि एलिजाबेथ दक्षेश की बेटी नहीं है। हाँ हाँ, पर अपने पीटर की बेटी तो है ना। हाँ तो पीटर तो उसे पहचानता है ना? नहीं, पीटर बिल्कुल नहीं पहचानता दक्षेश को। एलिजाबेथ, एलिजाबेथ को तो पहचानता है ना वो। कौन दक्षेश? पीटर, पीटर उसकी बेटी को पहचानता है या नहीं? अरे कैसे पहचानेगा, जब पीटर दक्षेश को नहीं पहचानता तो उसकी बेटी को कैसे पहचानेगा? भूल जाओ दक्षेश को, आप भूल जाओ। क्यों क्यों भूल जाए प्रफुल, क्यों भूल जाए बेचारे दक्षेश को? एक ही तो दोस्त है प्रफुल का, जो हेलो ऐसे कहता है उनको दूर से। देखिए आप हिमांशु, इनकी बेटी से बात तो कर। हाय, क्या नाम है तुम्हारा? मैगी। मैगी? हाँ। फिर तो तुम इसे दो मिनट में तैयार हो जाती होगी ना? हाँ? वो तो दिखता ही है हिमांशु। एक्सक्यूज मी, मैगी मतलब मार्गरेट, प्यार से लोग उससे मैगी बुलाते हैं, समझे? अच्छा मैगी, मेरा नाम प्रफुल है। हाँ? प्यार हाँ? से मुझे कोई बुलाता ही नहीं है, हमेशा चप्पल मार के या गाली देके, है ना? मैगजीन पढ़ो चुपचाप। हिमांशु कहाँ तक पढ़ा है तुमने? अभी अभी तो हाथ में लिया। ये पढ़ाई की बात कर रहे हिमांशु? हाँ हाँ जी, मैंने अक्टूबर तक पढ़ाई की है। मतलब? मतलब जून में डाला था हमने इसे स्कूल में और अक्टूबर में निकाल दिया स्कूल वालों ने। तो हम रिश्ता पक्का समझे डिसिल्वा कुमार? रॉकी! अरे हिमांशु के लिए लड़की चाहिए ना तो पूना के पागलखाने से ढूंढो। क्या पूना के पागलखाने से जाके ढूंढो? तो हमें मुंबई की लड़की चाहिए भाई साहब। तेरी हिम्मत अली डोली कभी तुम्हारे घर नहीं जाएगी हिमांशु। अरे डोली की हमको वैसे भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे अपनी हेमलता दे दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। बस हटो, मेरी ऋतुपर्णा की शादी हिमांशु से कभी नहीं, वो मेरी सगी बेटी है, कोई सौतेली नहीं, समझे? अच्छा तो सौतेली कौन है? उसकी शादी कर दीजिए आप हिमांशु के साथ। सुनो, दफा हो जाओ। सॉरी, मेरी फाल्गुनी का हाथ एक बार इस बुड्ढे के हाथ में दे दूं, लेकिन हिमांशु को देने से पहले मैं जहर ना खा लूं। हाँ तो खा लीजिए इडियट। दादा जी वो ना नहीं रहे, वो अपने आप पर घासलेट छिड़क रहे हैं। ओ मम्मी जल्दी आओ, देखो हिमांशु मामा ने अपने आप पर घासलेट छिड़क दिया है। हाय रुक, हाय कोई रोको उसे। अच्छा मैं हूं ना, मैं रोकता हूं। अरे लेकिन आपने ही तो दिया था उन्हें घासलेट का डिब्बा। हां सखी बेटा, लेकिन मुझे लगा वो बालों में लगाना चाहता है। अरे कोई अपने बालों में घासलेट लगाता है गधे?
क्यों? जयश्री भाभी ने कल आपको दिया था तब आपने लगाया तो था बालों में। हाँ, ऐसा करके हंसे भी तो थे। वो घासलेट था? हाँ, वो ब्राह्मी तेल खत्म हो गया था ना तो इसीलिए दिया सलाई लेकर तूने मैंने। अरे देख लूंगा मैं तुझे। अच्छी हिमांशु, 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 देख मेरे पास आ, मेरी बात सुन हिमांशु। हिमांशु ऐसे निराश नहीं होते होने। कोई यहाँ नहीं बोल रहा है, मेरी बाल प्रेम कहानी शुरू ही नहीं हो रही है। वो मेरे दोस्त भद्रेश की बीवी तो उसको छोड़ के चली भी गई। अच्छा? और मुझे अब तक मिली भी नहीं। अरे हिमांशु, तू अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर क्यों कर रहा है? दादाजी प्रफुल, कंपेयर मतलब कंपेयर अंसा, हमारी वो जशोदा मौसी, वो गर्मी के मौसम में अक्सर क्या कहती है? वो कहती है कि ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा पैर दर्द होते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में कम पैर दर्द होते हैं। कम पैर, कम पैर, कम पैर हो गया। चलो, हाँ चलो, चलो, चलो। नहीं मांचू कास्टिंग बहुत महंगा हो गया। दरवाजा जैसी जैसी, नहीं चक्की ये दरवाजा खोल। हाँ जल्दी, हाय लोट रख, दबा नीचे रख मांचू। चल नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो थक गई भैया। मैं जाना चाहता हूँ। बैठ बैठ एजेंसी में। मैंने सोचा था मेरी महान प्रेम कहानी बनेगी जो मैं मेरे 10-12 बच्चों को सुनाऊंगा। 10-12 बच्चे? हाँ तो 10-12 तो होंगे ही ना। 4-5 तो वो ऐसे घुमा देगा। हाँ। हमेशा अपनी चीजें इधर उधर रख के बाद में भूल जाता है भैसा। टाइम लगता है हिमांशु, टाइम लगता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं अपने शाहरुख और काजल के पट से मिले थे, नहीं ना पची। अपने प्रफुल्ल को ही देख ले, हंसा से पहले 433 लड़कियों ने ठुकराया था उसका रिश्ता। हाँ। और 100 ने तो ऐसे पीटा भी था इनको। क्योंकि हर प्रफुल्ल के लिए एक हंसा बनी हुई होती है, इसलिए उतावला मत हो हिमांशु। कहीं ना कहीं जरूर होगी तेरी महान प्रेम कहानी की रानी। रोको रोको, बिटिया रानी का नाम भी तो सोचना। पापा जी क्या अक्षर निकला? पा 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 से परमिंदर कैसा रहेगा? तो बस जी, परमिंदर और परमिंदर की बेटी का नाम परमिंदर। कोई लाडू रानी, बिटिया रानी के नामकरण में क्यों नहीं आई तू? हैं? और यहाँ बैठी क्या कर रही है तू? अरे वीर जी, आपने कहा था ना कि आज के दिन मुझे विदाउट फेल आपकी फोटो खींचनी होगी, तो देखिए आपकी फोटो खींच रही हूँ। ओए पागले, मैंने तुझसे आज के दिन मेरी फोटो खींचना ऐसा कहा था उसका ये मतलब निकाला तूने? ना पुत्र, मैंने तुझसे हम दोनों की साथ वाली फोटो खींचने को कहा था। अच्छा। तू ना ये, हाँ ये बड़ी चंगी है, ए, ये वाली फोटो खींच ले, ये दे दे। अच्छे से खींचना। जी भैया। परमिंदर, क्या है जी? जी? अब फिर से तुम्हारे लिए फोन है। अच्छा, अच्छा जी, जी। चल पुत्र, ओ चलो सारे आ जाओ। शाबाश अबल अबल शाबाश। देखा हंसा, फिर आ गए परमिंदर से। परमिंदर से ना, अरे घर में फोन खराब होंगे लेकिन एक मोबाइल नहीं खरीद सकते। बाऊजी बाऊजी, ठंड रखो ठंड। अरे ठंड रख रखे तो ये जुकाम हो गया मुझे। दिन में 5-6 बार वो फोन आता है, हेलो परमिंदर को बुला देना। और तुम 40-50 परमिंदर चले आते हो इधर, और फोन हमेशा निकलता है तुम्हारी इस बहन परमिंदर का। हेलो, हाँ जी परमिंदर स्पीकिंग।
भैंस? हाँ मैंने ही ऑर्डर की थी। देखा, कुत्ते तो हर कोई पालता है, तो मैंने सोचा भिजवा देना। मैंने इस मसले का हल ढूंढ निकाला है। क्या फोन तुझे दे दूं? नहीं, मैं अपनी बहन इस कार को दे दूं। क्या बाबूजी, अगर मेरी बहन की शादी आपके हिमांशु से हो जाए तो इस बेचारी को रोज पैदल चल के घर से यहाँ नहीं आना पड़ेगा फोन उठाने, और आपके हिमांशु के गले को भी तो आराम मिल जाएगा ना बाबूजी, क्या बोलते हैं? जयश्री, शकुंतला, हिमांशु के लिए रिश्ता मिल गया है। शुरू हो गई उसकी महान प्रेम कहानी। हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी बहन परमिंदर को हमारा हिमांशु इतना पसंद है। ओए पर जाई, लाडो रानी को तो अच्छा लगता ही है, पर हमारे दादाजी को भी बड़ा चंगा लगता है हिमांशु। किस्मत किस्मत हिमांशु, कल तक तो तेरी शादी नहीं हो रही थी और आज आए हैं तो एक ही घर से दो दो रिश्ते बैचा। लेकिन मुझे तो इनकी बहन पर भी दरी पसंद हो, क्योंकि इनके दादाजी को तो मैं ठीक से जानता तक नहीं। अरे चलो चलो, परमिंदर हिमांशु एक दूसरे को अंगूठी पहना दो फटाफट। देख चलो चलो मिल के ही देख देख। चल हिमांशु तू पहना। है पहना। चलिए बाबूजी, शगुन दे दीजिए गपा गप। अरे परमिंदर घनचक्कर, ये ले शगुन और साथ में ढेर सारे फोन। थैंक यू जी। चलिए चलिए गाना बजाना शुरू कीजिए। चलिए चलिए स्टार्ट। ये क्या कह दिया आपने पड़ जाई? चाहे तो आप और कुछ भी मांग लीजिए, पर फिल्म स्टार्स, नफरत है मुझे उनसे। अच्छा, इसे देख रहे, ये है मेरी भतीजी परमिंदर, इसकी शादी एक फिल्म स्टार से हुई थी। कौन से? और वो जल्लाद, शादी के एक हफ्ते के अंदर ही मारपीट करती शुरू कर दी उसने मेरी पम्मी के साथ, यहाँ तक कि हाथ तोड़ के रख दिया मेरे बच्चे का। संभाला अपने आप को पुत्र। कैसे संभालूं चाची, आज अगर बीच सड़क में इसकी गड्डी खराब हो जाए तो ये लिफ्ट तक नहीं मांग सकती इस हाथ से, पता है? प्रफुल, है? लिफ्ट तो इस हाथ से भी मांग सकती है, है? हाँ हाँ, पर बाबूजी उसे इस तरफ जा रहा हो तो, और अगर मच्छर मारता हो तो। अच्छा चलो चलो, ये सब बातें मंदिर जाके करते हैं। हिमांशु, अब जी भर के बात कर अपनी होने वाली बीवी से। कुछ बोलो ना। ना मालूम है नमक ज्यादा पड़ जावे ना तो दही डाल देने का, किसी को पता नहीं चलेगा। और नींबू मिर्च लेने हो ना तो न्यू मार्केट जाना, ए वो पुरानी भोसले मार्केट तो बंद हो गई है ना, एक आदमी नहीं फरकता वहां। अपने बारे में बोलो ना।
तो साबर का मसाला भी भोसले मार्केट से लेता था, पर वो तो बंद हो गई ना, इसलिए घर पे ही पीसता हूँ मिक्सर ग्राइंडर के छोटे डिब्बे में। अपने शौक के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ हाँ, लगा था ना शौक, लगा था ना, मिक्सर में 2 बार, टोस्टर में 3 बार। और जब अंगूठी पहनाई थी तब 100 बार। कुछ और बोलो ना, तुम्हारी फेवरेट फिल्म? तारे जमीन पर। सच? वो स्कूल में छोटे बच्चे को परेशान देखकर मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ जाते थे। ओ हिमांशु, तुम्हें भी घर से जबरदस्ती बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता था? नहीं, मुझे स्कूल से जबरदस्ती घर भेजा जाता था कि रखो इसे, तुम ही पढ़ाओ, हम नहीं पढ़ा सकते इसे। चल अब लुची, ए मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अब अपने बारे में भी बता देना कुछ सोच समझ के। मैं तो ना अपनी पूरी फैमिली की लाडली हूँ। मेरे वीर जी, उन्हें तो बड़ा ही फक्र महसूस होता है मैनू देख के। मुझे कंफ्यूजन महसूस होता है मैनू देखकर, क्या क्या मगाऊ, रवा मसाला के मैसूर मसाला। फिर भागी छुक छुक गाड़ी। तुसी बड़े क्यूट हो हिमांशु, और हैंडसम भी। तुम तो बहुत एक्स्ट्रा सुधर हो परमिदर, 2F2MP2K2P2 है। मतलब दो फरसान, दो मिष्ठान, पापड़, पुलाव, कड़ी, कचुबर, पूरी, पराठा, अचार, पूरी अनलिमिटेड थाली हो तुम। ले थाली भागी। ओए मांश परमिदर, आई लव यू। तो फिर ले चलो, मुझे ले चलो। ले किधर? एक ऐसी जगह जहाँ मैं हूँ, तुम हो, और कोई ना हो। भोसले मार्केट। हाँ। प्यार के पल दो पल चुराने जाते थे पहले सब स्विट्जरलैंड, या फिर किसी समंदर के किनारे चौपाटी अक्सा या बैंडस्टैंड। स्विट्जरलैंड तो पुराना है, बैंडस्टैंड पे सारा जमाना है। तो प्यार की तो बातें करने हम जाएंगे हम कहाँ? तो चल चल, तो चल चल, तो चल चल भोसले मार्केट चल, वही तो लेटेस्ट है आजकल। तो चल चल भोसले मार्केट चल, वही तो लेटेस्ट है आजकल। तो चल चल, तो चल चल, तो चल चल भोसले मार्केट चल, वही तो लेटेस्ट है आजकल। तो चल चल भोसले मार्केट चल, वही तो लेटेस्ट है आजकल। तो चल चल। अरे सर पे खड़ा रहेगा मेनू कार्ड लेके वेटर, अगर लंबी ड्राइव पे जाए तो क्या गम है, मेरी कार में कचरा ज्यादा पेट्रोल कम है। अरे रे बाबा गार्डन में बच्चा पार्टी है, तेरी छत पे परमिंदर आंटी है, तेरे घर के आंगन में बैठे हैं तुलसीदास अंकल। ओ तो चल चल, तो चल चल, वही तो लेटेस्ट है आजकल। तो चल चल भोसले मार्केट चल, वही तो लेटेस्ट है आजकल। नजर लगे ना तुम्हें किसी की,
बालों में मिर्ची नींबू लगा दूं, यही रचा ले जल्दी से शादी, मांग में सांबार का पाउडर सजा लूं, यही पे रिसेप्शन होगा, यही पे मिलन की हो रहना, यही पे हमारा होगा मुन्ना, होगी यही पे मुन्ने की बहन। अरे बाबा यही पे बच्चे सीखेंगे, नोटबुक में अपनी वो लिखेंगे, A for apple, B for biscuit, होता है C for pickle, B for pickle हिमांशु। मैं चिली पिकल की बात कर रहा हूँ, तो हुआ ना C for pickle। तो चल चल, ओ चल चल, तो चल चल दोस्ते माफी चल, वही तो लेते थे आजकल, तो चल चल दोस्ते माफी चल, वही तो लेते थे आजकल, तो चल चल दोस्ते माफी चल, वही तो लेते थे आजकल। परमिंदर पंजाबी में क्यों बोला? ना पे रहो, ना पे रहो, तो चले छोकरी तू पे रहो। वो पहले कह लो विधि के ब्याह पंजाबियों के साथ होगा। चल परमिंदर दादागिरी मत कर। रुक जा हिमांशु, रुक जा, इधर आ। हां मैं आया एक मिनट। और मैंने कहा पहले रात में हो बाबू, ए आप तो सेम टू सेम मेरे जैसे दिखते हो, ये कौन हो आप? ए मैं तुम ही हूँ हिमांशु, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। हाँ। ये शादी मत करो, भाग जाओ इस मंडप से, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन क्यों? वो मुझे नहीं मालूम। ए तो पीछे आपको मालूम क्या है? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अगर आज ये शादी हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मत करिए शादी हिमांशु, भाग जा हिमांशु, भाग जा। ओ बड़ी बहन, अजय जी, अजय जी, बाबूजी, क्या हुआ हिमांशु? हिमांशु व्हाट इज अ, क्या हुआ हिमांशु? इतनी रात गए चिल्ला क्यों रहा है तू? टाइम क्या हुआ? अच्छा 31, वो तो तारीख है हंसा। एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ हिमांशु? हाँ? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। अच्छा? नहीं बुरा, क्या देखा? क्या? हाँ, सपने में मैंने देखा कि मेरी और परमिंदर की शादी होने जा रही है, और अचानक वहाँ पे मैं आ पहुँचता हूँ। तेरी शादी में तो तू होगा ही ना? हाँ? नहीं नहीं बापू, मैं तो पहले से था वहाँ, साथ में मैं भी आ पहुँचा लुच्चा। हाय हाय, फिर क्या हुआ? ए, फिर मैंने मुझसे कहा मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन शादी न करने की वजह वो तूने क्या बताई तुझे? हैं? कहा बताई? मैंने मुझसे पूछा भी। हाँ? कि मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए शादी, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, और पीछे मैं मंडप छोड़ के भाग गया। सिट। फिर तूने क्या किया? मैं तो वहां से भाग गया था ना। हाँ? फिर मेरे जाने के बाद मैंने वहां क्या किया वो तो मुझे पता, मुझे क्या पता? अरे जय श्री, जय श्री। मैं समझ गई हिमांशु, वो तेरी आत्मा की आवाज थी। हर लड़के को शादी से पहले ये डर लगा रहता है कि उसकी आजादी छिन जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी। हुँ? नहीं जय श्री बहन, नहीं। चलो ए? मेरा इशारा किसी और चीज की ओर था। मुझे बहुत डर लग रहा है, और कहते ना सुबह का सपना सच होता है। पर तूने तो सपना अभी रात को देखा है ना? हाँ हाँ, पर सपने में तो सुबह थी ना। हाँ, सब समझाना पड़ता है आपको बाबूजी। शे, शे, तही है। हमारे बाद इनका क्या होगा प्रभु? और फिर हिमांशु, क्या सुबह का सपना? सुबह का सपना तुझे पता है? हाँ? पिछले 4 साल से हंसा को तो एक सपना रोज आता है ना? है ना, है ना? अच्छा बड़ी बहन। हाँ? सुबह सुबह ऐसे कुछ 11:30 बजे जब मेरी आंखें से नींद से खुलने वाली होती है, तब मुझे ये सपना आता है हिमांशु कि अक्षय कुमार हमारे घर में आ गया है। हाँ? और हम सब उसे ऐसे फोटोग्राफ मांग रहे हैं। फोटोग्राफ फंसा? हाँ हाँ, वो भी
पर उसी वक्त हमें कहीं पेन नहीं मिलती है हिमांशु। पीछे फिर अक्षय कुमार ऐसे हाथ से खून निकाल कर ऐसे मुझे दस्तखत करके दे देता है। और बाबूजी को इस बात से बहुत तकलीफ होने लगती है हिमांशु। मुझे क्यों तकलीफ होने लगी? बाबूजी, आपके हाथ से ऐसे धड़ा धड़ खून बहने लगेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी? बहादुर, आप बता, चलो ओए। पिछले 4 साल से हंसा भाभी ने सपना देखा है, सपना सच हुआ नहीं ना? पाची, तू ये सब फिकर छोड़। अरे कल तो तेरी शादी है, कल तो तू दूल्हे की तरह सज कर घोड़ी पर बैठा होगा और घोड़ी जा रही होगी डायमंड फोर्ट की ओर। ठुमक ठुमक। हेलो बा, जय श्री। खबर में तो हिमांशु को घोड़ी पर बैठने में डर लगा इसलिए प्रफुल भैया घोड़ी पर बैठ गए। आज तो पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे ना। प्रफुल। हाँ बाबूजी, जिंदा है? अरे वो परमिंदर सेना हमारा स्वागत गुजराती तौर तरीके से करेगी ना? हाँ हाँ बाबूजी, मेरी बात हो गई है, गुजराती तौर तरीके से ही करेंगे। हाँ, जब वो लोग वहाँ पहुँचेंगे तब। पहुँचेंगे तब मतलब? मतलब वो लोग घर से निकले ही नहीं है। अच्छा। परमिंदर, फोन बज रहा है। जय श्री। अरे बाबा शांति रखिए ना बाबूजी, रिंग बज रही है। अरे पर हेलो। हेलो परमिंदर, तुम लोग कहाँ हो? हम सब तो घर पे हैं जी। हेलो, तुम लोग घर पे क्या कर रहे हो? जी मैं जलेबी खा रहा हूँ। एक काम कर, तू बड़े परमिंदर को दे। एक मिनट जी, लीजिए पार्टी। चल चल। मैंने कहा ना बड़े परमिंदर को दे। मैंने दी तो सही, उन्होंने खा भी ली जलेबी। अब बर्फी दे दो। आप उसे फोन दे। अच्छा जी बाजी। हेलो परमिंदर भैया, आप लोग बारात को रिसीव करने अभी तक मंडप पहुंचे क्यों नहीं? क्योंकि बारात का मुहूर्त 10 बजे का है। हाँ तो? तो अभी तो 10 ही बजे है ना। हाँ तो 10 बजे के मुहूर्त में आप 10 बजे नहीं पहुँचोगे तो कब पहुँचोगे? 10 बजे। तो फिर तुम लोग पहुँचे क्यों नहीं? पर जाई, 10 बजे के मुहूर्त में 10 बजे पहुँच के क्या करेंगे? तो तुम लोग कब पहुँचोगे? 10 बजे। लेकिन अभी 10 ही बजे है मेरे बाप। वो तो दिन के, बारात को रिसीव करने का मुहूर्त तो रात 10 बजे का है ना। ले, हमें तो लगा कि सुबह 10 बजे का मुहूर्त है, इसलिए हम तैयार होकर डायमंड फोर्ट पहुंचने को ही है। अगर आधे घंटे में फटाफट तैयार होकर डायमंड फोर्ट नहीं पहुंचे ना तो शादी कैंसिल। ओ पायो पायो, चलो सारे छेती करो, छेती छेती। खंड मंडलाकारम व्याप्तमेव चराचरम। हेलो, हाय हाय, हिमांशु तू शादी कर रहे? मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं। हिमांशु यहाँ है। वही तो यार, शादी में क्यों कर रहा है? तो हमारे मंडप में ये लोग क्या कर रहे हैं? परमिंदर नंबर 35, चलो जी खेती करो। क्या है? श्री परजाई का फोन आया था, वो मंडप में गड़बड़ हो गई है। यार सचमुच में शादी हो रही है? हाँ। पीछे कैटरी किसका है? अरविंदो का। अच्छा, और फिर भी शरबत स्टील के ग्लास में। अब आप ग्लास बदलो जी। अरे क्या शरबत स्टील के ग्लास में? देखिए, आज के लिए डायमंड फोर्ट हमने बुक करवाया है ना प्रफुल्ल? चलो चलो, खाली करो ये डायमंड फोर्ट, हमारी बुकिंग है, दफा हो जाओ यहाँ से, बंद करो ये शादी। रुको 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 रुको, चालू रखो ये शादी। अरे पागल हो गए क्या आप? बंद कीजिए शादी। अरे वाह, ये अच्छी जबरदस्ती है। थैंक यू प्रफुल्ल, इनको मेरी जबरदस्ती अच्छी लगी। चुप, चालू रखो शादी। सुदीप, तो आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, आज की तारीख में ये डायमंड फोर्ट हमने बुक करवाया है, हमने। ये देखिए रिसीट, यूं ही नहीं छपा हमने डायमंड फोर्ट का पता इस कार्ड में। अरे बंद करो ये शादी। बंद करो, बंद। तो हमने क्या टाइम पास करवाने के लिए छपवाया है डायमंड फोर्ट का पता? रिसीट दे बेटा।
ये देखिए ये डायमंड फोर्ड यूटा बेंजेंग जी बेजिंग चाइना। मैंने बुक करवाया बाबूजी मैंने। चालू रखिए शादी। अब आप है प्रफुल्ल इधर आ जा। प्रफुल्ल मेरे बेवकूफ बेटे मेरे खते, जब शादी मुंबई में होने वाली है तो चाइना का डायमंड फोर्ट बुक करवाने का क्या मतलब? बाबूजी वो तो मुझे चाइना के डायमंड फोर्ट का मैनेजर भी फोन पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि पीक ऑफ याओ मी शी ची ची मुंबई टोंग शिंग फुई भी कहा। अरे तो फिर तूने चाइना का डायमंड फोर्ट क्यों बुक करवाया? क्योंकि बाबूजी आपने डायमंड फोर्ट बुक करवाने के लिए कहा था और ये वाला हमसे पहले इन्होंने बुक करवा लिया था तो मैंने। हाँ मेन क्या है अंकल, मेन क्या है? डायमंड फोर्ट। जाओ चाइना जाके शादी करवाओ। इम्पोर्टेंट शादी। धक्का किसे मार रहे हैं आप? आपको बाबूजी, ये भी आपको बताना पड़ेगा क्या? मुझे धक्का मारा। ए जा जा लाल पगड़ी जाके चाहिए ताके देखे ना धोती दास। ए होशियारी कौने बतावे छे सफारी सूट। ए जा जा दाल भात। अरे जा जा माचे जो जा 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 जा। एक मिनट डैडी एक मिनट। देखिए बड़ी मुश्किल से हमारी ये शादी तय हुई है। बड़ी मुश्किल से पापा ही शादी के लिए राजी हुए हैं क्योंकि मम्मी पापा रजंती के खिलाफ थे। हाँ वो तो कोई भी होगा देख किसी। हाँ वैजंती वैजंती तमिल नहीं। देखिए जात पात को लेकर लड़ाई झगड़ा, सोचने का तरीका अलग, रहन सहन का तरीका अलग। ये एक चमत्कारी है कि इतना कुछ होने के बाद भी पापा हमारे शादी के लिए राजी हो गए। 2 साल तक जुदा रहे हम, बहुत उतार चढ़ाव देखे हमारी इस प्रेम कहानी ने। वैजंती के पापा भिखारी, हमारे पापा जमींदार। बहुत कुछ सहने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि मेरी महान प्रेम कहानी बने। मैं चाहता हूं कि मेरी महान प्रेम कहानी। मैं अपनी बहन इस कार को दे दूं। मैं अपनी बहन इस कार को दे दूं। हमारी हमारी यादगार इतिहास के पन्नों पर लिखी जाने वाली। ओए पर जाई लाडो रानी को तो अच्छा लगता ही है और हमारे दादाजी को भी बड़ा चंगा लगता है मांशु। ये शादी मत कर, भाग जाओ इस मंडप से, किसी को पता नहीं चलेगा। ओ जेसी बहन, ओ बड़ी बहन, ओ बाबूजी, हटो हटो हटो। मेरा सपना जेसी बहन, मेरा सपना। हाँ तेरा इकलौता सपना पूरा करने के लिए ही तो ये सब है। वो नहीं, मेरा सुबह का सपना। अब मुझे समझ में आया कि मैं मुझे मंडप छोड़ के भाग जाने को क्यों कह रहा था। क्यों? अगर मेरी शादी यहाँ सीधे शादी तरह से हो गई तो पीछे मेरी प्रेम कहानी महान कैसे बनेगी? मेरी प्रेम कहानी में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। समझी समझी हिमांशु, समझ गई। जयश्री जयश्री, मैं नहीं समझी। हाँ हंसा भाभी, प्रेम कहानी का मेन मसाला क्या होता है? पता नहीं। ओहो, पहले हीरो हीरोइन में प्यार, लेकिन दोनों परिवारों में दुश्मनी, फिर लंबी जुदाई, रोना धोना, सैड गाना, और पीछे एक दूसरे से जुदा होकर से प्रेम अग्नि में तड़पना, एंड में पुनर्मिलन या मौत। मेरी इस प्रेम कहानी में मिलन या मौत तो जाने दो, जुदा या विरोध तक नहीं हुआ। समझा प्रफुल्ल? उल्टा लड़की वालों ने सामने से रिश्ता भेजा, वो भी फोन को लेकर। तो अब क्या करें जयश्री? चलिए सुनिए, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। सुनो, अगर हिमांशु की प्रेम कहानी को महान बनाना है, वो तो बनाना ही होगा। मरते हुए चंद्रकांत भाई से वादा किया है मैंने, तो सबसे पहले हिमांशु और परमिंदर की शादी को रोकना होगा। फिर बीच के 3-4 स्टेप्स जो हम खा गए हैं, पता है मुझे प्रफुल्ल, उन 3-4 स्टेप्स को हमें जोड़ना होगा।
जैकी चक्की बच्चे लोग अब देखिए मैं क्या करती इन कहानी को महान बनाना है तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो हर्ष आज पहली बार बाबूजी काम आएंगे आगे आगे बुलुक आगे चलिए बाबूजी हार्ट अटैक लाइए फटाफट कैसे दर्द के मारे आ कीजिए दांत के दर्द वाला आ नहीं दिल के दौरे वाला आ एक्टिंग एक्टिंग अब जयश्री मुझे एक्टिंग नहीं आती है ना गाना वाना क्या है बाबूजी अच्छा अच्छा चलिए आप प्रोफुल से एक्टिंग सीख लीजिए ए प्रोफुल आप वो अंधे वाली एक्टिंग कीजिए ना देखिए बाबूजी सुपर सुपर प्रफुल कहते अंधे की एक्टिंग थी हाँ? अंधा तो यू 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 करता है ना हाँ हाँ लेकिन बाबूजी इस अंधे को खांसी हुई है तो खांसते खांसते अंधा ऐसे करेगा ना ऐसे थोड़ी करेगा आप कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए वंस अपॉन ए टाइम हो गया जैसा मैं कह रही हूँ सब लोग बिल्कुल वैसा करना बाबू जी को मारिए सोटी हाथ गिर जाइए हेलो क्यों लेट गए सब क्यों गिर गए अरे तूने तो कहा जयश्री कि मैं जैसा कहूँ वैसा करना तो क्या हो गया हंसा पर जाई हमें हार्ट अटैक आया है भैसा सबको हार्ट अटैक आया है ऐसा कहकर बड़े लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया और शादी करवा दी पोस्टपोन बाने हार्ट अटैक नहीं सबको एसिडिटी थी ऐसा कहकर परमिंदर परिवार को पटा भी लिया लेकिन बेचारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल पे मेरे पापा प्रफुल पारे को खुला छोड़ दिया हेलो हेलो क्या हुआ है आपको हेमरेज नहीं 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 आपका नाम नहीं हेमराज कुमार आपको रोग रोग कौन सा हुआ है कुछ हुआ है आपको या बस ऐसे ही नींद आ रही थी और खाली बेड देखा तो मेरे दिमाग से खून लिक हुआ था भाई साहब अच्छा 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 अरे हाँ 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 अभी भी हो रहा है देखिए ना हाथ से निकल के कितना सारा जमा हो गया है ऊपर बॉटल में शे ये हाथ से निकल कर बॉटल में जमा नहीं हो रहा है बॉटल से निकल कर मेरी रगों में जा रहा है अच्छा 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 मतलब आपको खून चढ़ाया जा रहा है हाँ सचमुच का खून खून चढ़ाएंगे तो सचमुच का ही चढ़ाएंगे ना ऐसा जरूरी नहीं है मेरे दोस्त दीपक को तो टोमेटो केचप चढ़ाया था किस डॉक्टर ने मेरे दोस्त ने जिस फिल्म में काम किया था ना उस फिल्म में जिसने डॉक्टर का रोल किया था उसने मास फिल्म थी कभी खांसी कभी दम देखिए जिज्जा जी साइलेंस प्लीज जिज्जा जी आप यहाँ बैठे हैं क्या हुआ है आपको कुछ हुआ है आपको या ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर कैसा है कुछ खास नहीं है तीन चार डॉक्टर एक दर्दी का पेट चिरकर अंदर कुछ ढूंढ रहे थे और पिक्चर तो एक भी नहीं लगी थिएटर में समोसा पॉपकॉर्न लो आगे तू तो गधा है गधा तो जाओ चुपचाप मैंने तुझे अपने कमरे के बारे में क्या कहा था यही कि आपके कमरे में नर्स को बुलाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है तो प्रफुल तू मेरे कमरे में एक बैल बिठा देना तो क्या बाबूजी तो क्या मैंने बैल बिठाया तो था कमाल है बाबूजी वो देखिए मांगा जा रहा है वो बैल है बैल नर्स को बुलाने के लिए मुझे घंटी की जरूरत थी
हाथे बैल के गले में घटी भी तो है। अरे घंटी मतलब मैंने कहा था बेल 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 टिंग टोंग। बस बस रहने दीजिए बाबूजी, आपने यूं यूं तो बिल्कुल नहीं किया था और टिंग टोंग तो आप बोले ही नहीं। अच्छा भाई मेरी गलती, लेकिन इतना तो सोच बेटा कि नर्स को बुलाने के लिए वो बेल कैसे काम आएगा। क्यों, आप नर्स को कह देना कि अगर बेल ऐसा बोले तो अंदर आ जाना, और अगर वो बेल नहीं बोला तो आप बोल देना अभी। अच्छा किया था ना। अच्छा अगर मेरे कहने से काम चल जाता तो फिर इस बेल को यहाँ लाने का क्या मतलब। ये आपको बाबूजी इस बेल को यहाँ मंगवाने से पहले सोचना चाहिए। हमें क्या पता था कि आप इतनी अच्छी तरह कर पाते हैं। अरे मेन क्या है हिमांशु, मेन क्या है? अरे क्या है, चलो चलो कपड़े बदलो जल्दी जल्दी, हंसा बाबी का है आईसीयू में, मेकअप करवा रही है नर्स के पास। अरे जैसी भाई ये बाबूजी को देखिए ना। हिमांशु बाबूजी को डाल कुएं में। दादाजी रस्सी पकड़िए जोर लगा के। ध्यान से सुनो, हर महान प्रेम कहानी का अहम मोड़ होता है किसी न किसी वजह से घर वालों का विरोध, ऐतराज। अच्छा हंसा भाभी, आपके और प्रफुल्ल भैया के रिश्ते को लेके बाबूजी को शुरू शुरू में ऐतराज था? हाँ बहुत ज्यादा था भाई साहब। वेरी गुड, ऐतराज की वजह क्या थी? हलवा। हलवा? हाँ हिमांशु, एक बार अपने अहमदाबाद के बंगले में बाबूजी ने ना मुझसे ऐसे कहा, हंसा जरा हलवा बना देना ना, तो मैंने बना दिया था, पर बहुत किस्मती से जल गया था पूरा। पूरा हलवा? नहीं नहीं हलवा नहीं हिमांशु, बंगला जल गया था पूरा। तो ठीक। अरे जयश्री सीधे सीधे मुद्दे पर आना। हाँ हाँ हवे। तो परमिंदर और हिमांशु के किस्से में दोनों खाते पीते परिवार से हैं, दोनों परिवार में कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं कोई जात पात में मानता, तो विरोध की वजह बची क्या? हलवा ना हवे चारित्र। अगर परमिंदर परिवार को ये पता चले कि तू शराबी है, तेरी एक प्रेमिका है, एक नाजायज औलाद है, फिर तो वो यही कहेंगे ना कि बोलो मर जाएंगे पर तुझे अपने घर का बाहर नहीं बुलाएंगे। फिर जुदाई, सैड गाना, फिर पुनर्मिलन और हैप्पी एंडिंग। शेख चल्ली का ख्याली पुलाव बन जाएगी ना धासु प्रेम कहानी। ये तो सुपर आइडिया है जयश्री। दूला दिया। ए वनस मोर जयश्री बहन, ए लेडीज सजय लीला बसा लिए, देवदास दिल दे चुके सनम। अरे क्या देवदास संजय लीला बंसाली, अरे कहां वो और कहां ये, बकवास कर रही है जयश्री, क्योंकि तू ना शराबी है, ना तेरी कोई प्रेमिका है और ना ही तेरा कोई नाजायज बच्चा है। हाँ हाँ लेकिन अगर उन्हें ये गलत फहमी हुई तो। अरे हाँ। ऐसी गलत फहमी क्यों होगी? क्योंकि हम ये गलत फहमी खड़ी करेंगे। प्रफुल तू तो गधा है गधा, अरे मैंने तुझे क्या कहा था? यही कि हमें हिमांशु को मक्कार और बच्चलन साबित करना है। हाँ। तो तू हिमांशु की झूठ मूठ की प्रेमिका का नाटक करने के लिए किसी अच्छी सी लड़की को ले आ। दिखने में वो लड़की अप्सरा जैसी नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन एक्ट्रेस अच्छी होनी चाहिए। हाँ तो? तो क्या बाबूजी, तो क्या मैं लाया तो हूँ, आप मिले तो सही। अरे फिर से मिलाऊं? एक मिनट, कंचन बाला बेन आओ, कंचन बाला बेन। देखिए बाबूजी मैं लिया बाबूजी, दिखने में अप्सरा नहीं है और एक्ट्रेस भी अच्छी, ये बनेगी हिमांशु की प्रेमिका। अरे देखना है आपको, एक मिनट, कंचन बाला बेन लव सीन हिमांशु। हाँ 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 जवानी की भूल, देखिए बाबूजी देखिए। हे हिमांशु, तूने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, ये बाली उम्र ये चढ़ती जवानी मैं किसके साथ बिताऊंगी बेटा? बेटा अरे डार नहीं, मेरा नस रही, अपने मुन्ने का तो ख्याल किया होता। रुला दिया। थैंक यू, नाच के दिखाओ। हाँ हाँ वो दीदी तेरा देवर। अरे क्या दीदी तेरा देवर, नहीं नहीं
तुम्हारी मर्जी। यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। देखा ना बाबूजी, आपने कहा था वैसे ही है ना। बस एक प्रॉब्लम है, मैंने कहा था कि हिमांशु की नकली प्रेमिका अपने साथ बच्चे को भी लेकर आनी चाहिए। हाँ हाँ, तो बाबूजी हिमांशु के बच्चे का रोल करने के लिए इन्हीं के बच्चे को लाया हूँ मैं। बानू काका। हाय मम्मी। यो बेटा। हेलो बानू काका। हाय। कैसे आप? देखिए बाबूजी, हिमांशु का मुन्ना। पापा, आप मुझे बूफे थाली के झूठे खाने की तरह क्यों छोड़ के आए पापा? पापा, पापा स्कूल में सब बच्चे मुझे चिल्लाते हैं, तू ना जाए जे, तू ना जाए जे। मुझे तुम्हारा नाम दे दो पापा, मुझे तुम्हारा नाम दे दो। नहीं, नाम दे दो, नाम दे दो, किसी को पता नहीं चलेगा। नाम दे दो पापा, नाम दे दो। वाह जी, चलो पिक्चर खत्म, चलो। किसी को पता नहीं चलेगा, और वो ये आखिरी टच तो कोई भी कहेगा कि भानु काका मेरा ही बेटा है। बहुत पुण्य कियोगे बड़ी बहन ने। और मैंने पाप, जा जाके छोड़ के आई ने। टैक्सी खाली है, किधर जाना है? तारदेव। मुझे तारदेव नहीं जाना है। लेकिन इन्हें तो जाना है ना। आप इनको छोड़कर फिर से इधर आ जाना। जीते रहो बेटा। जीता रहूंगा। तारदेव, तारदेव। बुजुर्गों की इतनी इज्जत, वाह मांशु, वाह। बोलो, दिया लेके जाएंगे तो भी लाडो रानी के लिए तेरे जितना चंगा दिमाग नहीं टूट पाएंगे। क्या जरूरत थी उनकी मदद करने की? रह गया था तू उनकी फिक्र किए बिना। हाँ, वह बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करनी चाहिए इसलिए। ऐसा किसने कहा तुझे हिमांशु? आ, मेरे साथ था कम्स। बाबूजी, देख बाबूजी को देख। बाबूजी, पिछले 10-12 साल से हम आपके साथ रह रहे हैं ना, कभी गलती से भी हमने आपकी इज्जत की है? कभी पाँव तक छुए हमने बाबूजी के? पूछ पूछ तो उल्टा बाबूजी सर झुकाते हुए हाथ जोड़ते हमारे आगे कि प्रफुल्ल हंसा, मेरी जान छोड़ो, मुझे माफ है? करो, है ना? बात तो सही है, बात तो सही है। हिमांशु, तू ऐसे नेक काम करता रहेगा तो परमिंदर परिवार तेरे खिलाफ कैसे होगा? अरे पर वो तो उन्हें इसी गाड़ी में छोड़ने वाले थे। लेकिन ये गाड़ी हमेशा की तरह खराब थी, इसीलिए हिमांशु मामा ने। तो बाबूजी नहीं थे गाड़ी को धक्का देने के लिए? उन्हें घर में रखा किस लिए है? भाभी, आज पता चला इन बच्चों के साथ रह रहे के सुधर गया हिमांशु। अच्छे संस्कार, अच्छी सीख भगवान। चलो, ऐसे ऐसे शराबी की तरह चलते हुए गटर में गिरने की एक्टिंग नहीं आती हंसा की तरह, ना सही। लेकिन कंचन बाबू, एक वर्ल्ड बेस्ट आइडिया आया है, एक्टिंग। हिमांशु यहाँ, याद कर जब हम परमिंदर को शगुन दे रहे थे तो भाई परमिंदर ने क्या कहा था? थैंक यू। तू ही बताना जयश्री। फिल्म स्टार्स, नफरत है मुझे उनसे, समझे? मतलब मतलब ये कि अगर हिमांशु फिल्म में काम करता है तब तो वो लोग हिमांशु और परमिंदर के रिश्ते के खिलाफ हो ही जाएंगे। हिमांशु, अब तू बनेगा फिल्म का हीरो। It's okay for you? Yeah, okay. Very good. Going for shot. जयश्री, हाथ पैर जोड़कर फराह को बुला तो लिया है, लेकिन वो फिल्म बनाएगी? बाबूजी, फिल्म न बनाने की एक भी वजह है उसके पास? वजह तो तीन तीन है जयश्री। क्या? फिल्म लिखी प्रफुल्ल ने है, हीरो हिमांशु है, और हिमांशु की माँ का रोल हंसा कर रही है। हलूट, देखो सीन ये है कि तुम एक गरीब बेरोजगार लड़के हो और अपने खंडर जैसे घर में बैठकर खाना बना रहे हो। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है। और ये हंसा बहन, तुम्हारी माँ घर में घुसती है, कहती है जय सिया राम बेटा, जय सिया। तुम्हारा डायलॉग है, आ गई माँ, खाना खाने बैठ जा, मैंने दाल रोटी बनाई है, उसके बाद रिलैक्स। रिलैक्स, मुझे सब पता है। तुम तो मेरे कैमरा चालू करो। बिदास कैमरा ऐसे चालू करूँ?
तू फिकर मत कर फरा, हमने सब कुछ तीन चार बार याद कर लिया है। पर बोलना सिर्फ एक ही बार है। हाय हाय, फिर क्या फायदा। ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गई। चलो चलो सब लोग रेडी, टेक करेंगे। साइलेंस प्लीज। एक्शन। जय सिया राम। मैं तो थक गई भैया। आ गई बा, खाना खाने बैठ जा। मैंने तेरे लिए बाजरे की रोटी और ये क्या, ये तो गलत है। ओए कट कट। क्या क्या क्या? इधर आके देखो। क्या गलत है? ये तो तूर की दाल है। तो ऐसे बाजरे की रोटी के साथ उड़द की दाल होती है, तूर की नहीं। तुम गरीब आदमी हो, गरीब आदमी के घर में जो भी दाल होगी वो ही बनाएगा ना। ए, पहले से उड़द की दाल रखते ना, किसी को पता नहीं चलेगा। है? नहीं, दाल चेंज नहीं होगी, जो है उसी से काम चलाओ, समझे? ठीक है। अब पीछे गरीब आदमी का पेट बिगड़े तो मुझे मत बोलना। टेकिंग गोगी। एक्शन। जय सियाराम। मैं तो फिर से थक गई। आ गई माँ, एक खाना खाने बैठ जा। मैंने तेरे लिए बाजरे की रोटी और तूर की दाल बनाई है। कोई खाएगा नहीं। खाती हूँ बेटा, खाती हूँ। पहले ये 500 रुपए तो रख ले। आज मुझे मजदूरी मिली है। ऐसी मजदूरी होती है कोई? माँ तूने इस उम्र में। ए परा खान बेन, अभी तो 500 रुपए है ना, अभी तो खरीद सकते ना दाल उड़द की। ओके, ए दाल बदलो। एक्शन। जय सियाराम। मैं तो तीसरी बार थक गई। अरे मैं भी थक गई। आ गई माँ, खाना खाने बैठ जा। मैंने बाजरे की रोटी और उड़द की दाल बनाई है। खाती हूँ बेटा, खाती हूँ। पहले ये 500 रुपए रख ले, मुझे मजदूरी मिली है। माँ तूने इस उम्र में मजदूरी की? तूने? बेटा बेटा वहाँ देख, रोटी जल रही है। माँ रोटी जलती तो, ए ये तो फिर से गलत है। अरे काट काट, अब क्या हुआ, क्या गलत है? ये तो बाजरे की रोटी है। सो बाजरे की रोटी इतनी जल्दी नहीं जलती। तुम एक काम करो, दाल तूर की वो पहले वाली कर दो और रोटी हम गेहूं की कर देंगे, ठीक है? हिमांशु ने एक बदमाश खूंखार चोर को पकड़वाया। देख के नहीं टकरा सकता था तू? है? तुझे टकराने के लिए बदमाश चोर के सिवा और कोई नहीं मिला था? तो मेरी हंसा की तरह तू हिप्पोपोटेमस से नहीं टकरा सकता था? तू हिप्पोपोटेमस के साथ कब टकराई हंसा? अफ्रीका में बाबूजी, मैं प्रफुल्ल की जुदाई से परेशान होकर उनकी तरफ ऐसे भाग रही थी ना। हाँ तो हिप्पोपोटेमस प्रफुल्ल से तंग आकर उनसे दूर भाग रहा था। तो रास्ते में मेरा धोड़ाम हो गया। कितने मजे आए थे ना प्रफुल्ल। हंसो मत अंसा, कमर और पैर की दोनों हड्डियां टूट गई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ प्रफुल्ल, लेकिन अब वो हिप्पोपोटेमस फिर से चलने लगा है, ऐसा सुना है मैंने। आप उदास मत होइए। ओहो मुद्दा 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 ये है कि मुद्दा ये है कि आज तो हिमांशु की तस्वीर अखबार में चोर को पकड़वाने के लिए छपी है ना, लेकिन बहुत जल्द उसकी तस्वीर चोरी करने के लिए छपी जाएगी। मतलब अब बदनाम होने के लिए हिमांशु चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। ए चोरी, आइडिया तो मसालेदार है ना, पर मुझे चोरी करनी नहीं आती। हिमांशु मैं हूं ना,
मैं तुझे सिखा दूंगा चोरी करना, है ना? बोला गुजराती परमिंदर, तुझे आता है चोरी करना? बाबूजी, मेरा दिल, मेरी रातों की नींद, मेरा चैन किसने चुराया है? प्रफुल्ल तो चित चोर है बाबूजी, चित चोर। हंसा, अरे हीरालाल पन्नालाल, हिमांशु को किसी के घर में घुस के चित नहीं चुराना है। इसीलिए हम सब जाएंगे हिमांशु के साथ चोरी करने। अरे जयश्री, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ और चुराएंगे क्या? कुरकुर कुमार, चोरी करके भागेंगे आप। और रहा सवाल चोरी का, तो हिमांशु, ओ वीर गबरू जवान, देख चकू देख, ये है हमारा होने वाला दामाद, और भौजी, ये है मेरा दोस्त चकू सिंह। चलिए, ये है परमिंदर के दोस्त चक्कू सिंह का बंगला। चोरी हमें यहाँ करनी है बाबूजी, चोरी करके भागेंगे आप और इल्जाम हम हिमांशु पे डलवाएंगे। चलिए अंदर जाते चोरी करना शुरू कर दीजिए। गहनों का डिब्बा, लकड़े की मूर्ति, हेयर ड्रायर, फ्रिज, सोफा सेट। अब बड़ी बहन, ये बाबूजी सोफा और फ्रिज उठा के भागेंगे तो थक नहीं जाएंगे? हिमांशु, थक जाएंगे तो साथ में सोफा सेट होगा ना, उसको ऐसे रख के उस पे बैठ के थोड़ा आराम कर लेंगे और फ्रिज से ठंडा पानी पी लेंगे और फिर भागने लगेंगे फ्रिज और सोफा उठा के, है ना? ये अच्छा सोचा। टी-शर्ट वाले हंसा, साथ में वॉशिंग मशीन भी उठा लूं, बीच रास्ते में ये धोती कुर्ता धोने का मन किया तो। बाबूजी, अगर बीच सड़क पे आप ये कपड़े धोने डालेंगे तो उस वक्त आप क्या पहनेंगे? बीच रास्ते में पपीशिम पपीशिम। दरवाजा खुल गया, चलो 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 चलो। हाँ चलो। हिमांशु, तुम हर जगह चीजों को छू चुके अपनी उंगलियों के निशान लगा देना ताकि इल्जाम तुम पे आए। किसी भी चीज की आवाज नहीं होनी चाहिए। मैं तो थक गई भाई साहब, ये टेबल तो बोला। ये पियानो है हंसा। अच्छा, चल चल हिमांशु, फटाफट अपनी उंगलियों के निशान लगा। इस पे भी लगाए, यहाँ नहीं, वहाँ अंदर जाके निशान कर। जा जा प्रफुल भैया, आप जाके पुलिस को बुला के लाइए असली वाली। मैं यहाँ पे भी मेरी उंगलियों के निशान भबरा दूँ? हाँ, देख यहाँ कितनी सारी चीजें हैं, डाल दे दूँ। ये क्या है? हाँ, ये कुछ खत जैसा दिखता है, पढ़ते पढ़ते इस पे भी भबरा दे निशान तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। अरे हंसा, क्या यहाँ बैठी हो? चलो हमें भागना है, चलो। आप पहले टैक्सी तो बुलवाइए। क्या टैक्सी हंसा? तो मैं इसे चल के थोड़ी भागूंगी बाबूजी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। अरे बैठने का वक्त नहीं है हंसा। अच्छा? प्रफुल्ल गया है पुलिस को लाने। हाँ है बाबूजी, वो देखिए। अरे ओ बाप रे, जयश्री आ गई पापा। हेलो हिमांशु, सासे चल रही है? हाँ, फर्स्ट क्लास। पापा तेरी नहीं, उसकी। अरे जयश्री, अब क्या होगा? क्या क्या होगा बाबूजी? हिमांशु पे चोरी की बजाय इसके खून का इल्जाम लग जाएगा बस। सच्ची? उमर कैद है ना। ए बड़ी बहन, ये मतलब 14 साल परमिंदर से जुदा होने के बाद मिलूंगा? हाँ। अरे हाँ हिमांशु, वीर जारा तेरे लिए हम। अरे क्या वीर जारा? हंसा भाभी, चोरी तक ठीक है लेकिन खून का इल्जाम ना पापा। नहीं नहीं हिमांशु, हिमांशु तू इधर आ। बाबूजी, आप प्रफुल्ल भैया को खुद फोन लगाइए और उनसे कहिए कि पुलिस को यहाँ ना लाए। हिमांशु तू चल मेरे साथ, हम लाश को छुपाने का कुछ करते हैं। बाबूजी फोन लगाइए, फोन लगाइए। लगाता हूँ हंसा बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर।
हेलो प्रफुल्ल. नो दिस इज हंसा. हु आर? फोन तो इसके पास है, बताती भी नहीं है. क्या होगा? पता नहीं. हेलो, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं? असली वाले पुलिस स्टेशन में बैठा हूं, पुलिस की वर्दी पहनी है, तो असली पुलिस इंस्पेक्टर ही हुआ ना. ऐसा कितना सुपर झाड़ू पोछा करना सीख गया बाबूजी. अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका क्या करेंगे बाबूजी? आ जाइए जाइए. क्या? आई आई. हम इस लाश को ठिकाने लगा देंगे, और इसे ठिकाने लगाने से पहले अगर पुलिस आ गई तो हिमांशु का इल्जाम हम अपने सर पर ले लेंगे. आ जय श्री बहन. हिमांशु चाकू सीखो. चाकू तो हाँ हाँ पता है कि तुमने उसे चाकू नहीं मारा. हाँ. लेकिन अगर पुलिस नहीं मानी तो हिमांशु तुम ये सारी चीजें इधर उधर करो. बाबूजी हम पुलिस से कहेंगे कि हिमांशु बेकसूर है. चलिए बोलिए मेरे साथ. 1 2 3. हिमांशु निर्दोष है इंस्पेक्टर साहब. चाकू को छुरा मैंने मारा है. मैंने. वेरी गुड. हेलो चलो इसे कहीं और छुपाना होगा. चेंज चलो चेंज. हाँ है चेंज, पर मैं तो दूसरी साड़ी लाई नहीं. व्हाट इज अंसा, इसे छुपाने की जगह चेंज. मार डालूं तुझे. हाँ बापू, अय्या एक लाश को लेके इतनी मुसीबत खड़ी हुई है और हम दूसरी लाश की बात कर रहे हैं, और वो भी बड़ी बहन के बारे में बोल रहे हैं. बाबूजी बाथरूम उधर है, इसे बाथरूम में ले जाइए. इसे जल्दी ले जाइए, बेचारा कब से यहाँ पड़ा था, उसे बहुत जोर की लगी होगी. चुप रहो अंसा. हिमांशु ये छुरा उसके पेट में जैसे था वैसे वापस रख दे. बाबूजी आप चलिए मेरे साथ. कम ऑन. देखो अगर पुलिस आ गई तो क्या बोलना याद है ना? जय श्री बाबी. ये देखिए असली इंस्पेक्टर. मैं ले आया बाबूजी, मैं ले आया. इस बार काम सही किया गधे ने. इंस्पेक्टर साहब हिमांशु मेरा साला मेरा. तुम्हारे हाथ में छुरा, ये सब क्या है? बाबूजी बोलिए मेरे साथ. 1 2 3. इंस्पेक्टर साहब हिमांशु निर्दोष है. इंस्पेक्टर साहब चक्कू को छुरा मैंने मारा है. मैंने. बोल. हिमांशु हैंड्स अप. हाँ वो तो है ही. पेशेंट की सांसें चल रही हैं. हाँ मतलब वो जिंदा है. हाँ देखिए हैवी ब्लड लॉस है, कम से कम 10 यूनिट खून के चाहिए. डॉक्टर साहब आप मेरा सारा का सारा खून ले लीजिए. हाँ हाँ कम पड़े तो घर पे और भी पड़ा है. हैं घर पर और? अरे तुम अपना खून घर पे रखते हो? मतलब मेरा बेटा, वो भी तो मेरा ही खून हुआ ना. हाँ डॉक्टर साहब आप कुछ भी करके चक्कू पाजी की जान बचा लीजिए. बस बचा लीजिए. हिमांशु ये तो बड़ी बहन की आवाज है. ए कहाँ है तू? ये सब तो बड़ी बहन की है. ए देख देख मैं किस को लाई हूँ. एक मिनट क्या हो रहा है ये सब? और ये लोग, ये इंस्पेक्टर साहब, ये न्यूज चैनल वाले, ये मनगढ़ंत समाचार देखा, और यहाँ ये मिर्च मसाला मार्केट, और ये बार बार लगातार देखा, और इंस्पेक्टर साहब यहाँ ये मेरी इंस्पेक्टर साहब. इंस्पेक्टर साहब आप आइए जरा. ए देखो ए हटो हटो हटो, ए ढोल नगाड़ा शहनाई सब आए हैं. देखो मैं ले आया इंस्पेक्टर साहब, मैं ले आया. लेकिन क्यों? हिमांशु कहाँ छुप के बैठा है तू? क्या पागलपन हो रहा है मेरे पुलिस स्टेशन में? पता नहीं अब कौन आ गया. बेबी हत्यारा, तूने मेरे जिगरी दोस्त को मारने की कोशिश की. इसने की मैंने नहीं, मैंने नहीं. हाँ हाँ अब तो आपको मेरे और परमिंदर के रिश्ते से एतराज है ना? एतराज? ओए जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है मेरा दोस्त. बोलो मर जाएंगे पर तुझे अच्छा नहीं बनाएंगे. अरे बोला बोला बजाओ बजाओ. चलो पागल आइए सबके साथ. चलो चलो फोटो लिख बांध कर रहे. फोटो 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 इधर.
हिमांशु, सब तेरी फोटो उनके अखबार में डालने के लिए धक्कम धक्की कर रहे हैं। तेरी प्रेम कहानी हो रही है हिमांशु, मान की महान और मशहूर की मशहूर। भोसले मार्केट चल 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 भोसले मार्केट चल। हिमांशु परमिंदर, असल जिंदगी में तुम्हें वैसे भी ज्यादा सोच नहीं सकती, तकलीफ बढ़ती है, लेकिन तुम किसी की जान लेने की कोशिश करोगे ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन परमिंदर, चक्कूसी को मैंने लाडो रानी। वीर जी, प्राण जी, प्राण जी। सुनो परमिंदर, तूने लाडो रानी को रुलाया? अगले हफ्ते इसका विवाह तेरे साथ होने वाला था ना, अब हमारी बिरादरी के परमिंदर के साथ होने जा रहा है। बाबू, बाबूजी को तो जमानत मिल गई। अब क्या है? वो तिवारी को तो रात को दाल रोटी के साथ आचार भी दिया था, मुझे क्यों नहीं दिया? गुजराती हूँ इसलिए। दुआ करूंगा कि तुझे भी जमानत मिल जाए, ताकि अपनी आंखों से तू देखे मेरी लाडो रानी का ब्याह परमिंदर के साथ। बापू है, आ जाना चंडीगढ़ 25 तारीख की सुबह। ये ले इनविटेशन। दमे की तारीख भी 24 तारीख है जयश्री। हाँ हाँ, इसलिए तो गाड़ी मंगवाई है। हम हिमांशु को निर्दोष साबित करके सीधा चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे शादी रुकवाने। अच्छा अच्छा वाली, आप ये सोचिए कि हिमांशु का मुकदमा हम लड़वाएंगे किससे? गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, कहिए मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हो गया। अरे ऐसा आप बोलिए। आती मैं ही बोला। जज साहब, इन्हें ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा बड़े बेवकूफ जैसा बर्ताव कर रहा है ये मुलजिम, असल में खतरनाक गुनेगार है, जिसने चक्कू सिंह आलूवाला की बड़ी बेरहमी से छुरा मारकर हत्या करने की कोशिश की, और ये मैं साबित करके रहूंगा। मेरा सबसे पहला गवाह है मिस्टर प्रफुल्ल पारे। मैं हूँ प्रफुल्ल। जज साहब, पता है? हाँ, तो मिस्टर पारेख, मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। आप वकील हैं? शुरू। मैं अदालत में खड़ा हूँ, काला क्लोक पहना है, तो मैं वकील ही होऊंगा ना? ऐसा जरूरी नहीं। हा? हो सकता है आप जादूगर हो और इसलिए ये लंबा काला कोट पहना हो, केलाल की तरह, है ना? जादूगर केलाल लाल रंग का क्लोक पहनते हैं और ये काला है। हाँ, तो आप काला जादू करते होंगे। हाँ, तो आपका नाम? प्रफुल्ल। आपका? पंडित, एडवोकेट पंडित। पंडित मतलब यूपी वाली पंडित फैमिली? मेरी फैमिली कर्नाटक में है। अच्छा अच्छा, लुधियाना। मैंने कहा मेरी फैमिली कर्नाटक में है, और लुधियाना कर्नाटक में नहीं है। तो कहाँ है? पंजाब में। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा आपकी फैमिली कर्नाटक में है। हाँ, तो मेरी फैमिली कर्नाटक में ही है। तो फिर पंजाब में है, ऐसा क्यों कहा? लुधियाना, लुधियाना पंजाब में है। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी फैमिली लुधियाना में नहीं है? कैसे हो सकती है? जब लुधियाना ही कर्नाटक में नहीं है, तो मेरी फैमिली वहाँ नहीं हो सकती ना? कहाँ नहीं हो सकती? कर्नाटक में। लुधियाना में, पंजाब में है। कौन? मेरी फैमिली, मेरी फैमिली। क्या हुआ आपकी फैमिली को? मिस्टर प्रफुल्ल, उसकी फैमिली सलामत है, पंजाब में है। कर्नाटक
में। ओके गैंगटॉक में। अब मैं आपकी फैमिली के बारे में पूछूंगा और आप सही सही जवाब देना। तो आप अदालत को ये बताइए कि मिस्टर हिमांशु आपके क्या लगते हैं? मेरा साला वकील साहब, हिमांशु मेरा साला है। मेरी अंशा का भाई। तक 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 तक। हाँ केटर अरे तक तक धिम। हाँ खाना बहुत अच्छा पका था। तक 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 तक। और सब्जी तो बहुत अच्छी काटता है। तक तक। ओके आलू तक तक तक। बैंगन गोभी। हाँ भाई हाँ, आलू गोभी मटर। नहीं मटर नहीं, मटर छिलता है। गोभी का ऑर्डर ऑर्डर। मिलोड़ी आदमी बैठ जा। सामने वाले वकील को तो प्रफुल्ल ने लाल पीला बना दिया। भैया तो सिर्फ हमारे तीर कमान थे बाबूजी, अब छूटेगा हमारा ब्रह्मास्त्र। क्या मानेंगे कि हंसा चाची BA LLB हंसा बारी के? हालांकि जिस कॉलेज से मम्मी ने BA LLB पास किया था उस कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे नाना जी थे, उस कॉलेज के प्रोफेसर मम्मी के चाचा जी थे और मम्मी के बदले पेपर लिखने बैठी थी जयश्री चाची। सबसे पहले आप अदालत को ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हिमांशु। ये आपका पूरा नाम है? हाँ, पूरा का पूरा मेरा ही है। पूरा का पूरा हिमांशु का है, इसे नोट किया जाए। नोट किया जाए? हाँ, तो जिस दिन आप चक्कू सिंह के घर गए थे उस दिन आपने क्या देखा था? सुबह मैंने स्टार प्लस का विदाई देखा था और शाम को अमिताभ बच्चन की पिक्चर अदा कानून। हाँ, हमने साथ में देखी थी। नहीं अरे डोंडा बोट, ये नहीं, चक्कू सिंह के घर पे पहुँचने के बाद तुमने क्या देखा? वहाँ हमने टीवी चालू ही नहीं किया तो देखेंगे क्या? ए जज, ऐसे किसी के घर पे जाते हैं तो खुद जाके टीवी नहीं चालू करना चाहिए, ऐसा सिखाया है हमारे बच्चों ने हमें। ऑर्डर ऑर्डर प्लीज। मर गए प्रफुल्ल। ऑर्डर मतलब? ऑर्डर का मीनिंग मैं उड़ा देता। ऑर्डर अंसा। अरे हम वो भूत वाली फिल्म की शूटिंग देखने गए थे। हाँ? वहाँ वो दिग्दर्शक हीरोइन को समझा नहीं रहा था कि तू कम डर रही है, तेरे सामने भूत खड़ा है, तू ऑर्डर ऑर्डर मेरी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते आप। और फिर प्रफुल्ल आपको तो कितना डर लगता है डॉक्टर से ऐसे ऑब्जेक्शन लेते हुए। हंसा बहन, डॉक्टर उनको मारते हैं ना, उसको ऑब्जेक्शन नहीं कहते हैं, उसे तो टेबल कहते हैं, है ना? टेबल है ना? तुम्हारा डॉक्टर तुमको टेबल मारता है? कभी कभी कुर्सी भी। कुर्सी? और फिर भी मैं वहाँ से नहीं गया तो कोई मरीज उठा के मुझे मारता। सच चीचा जी? हाँ, क्यों याद नहीं उस दिन वो मारवाड़ी लड़का लगा था प्रफुल्ल के सर पे ऐसे। मिसेस हंसा चुपचाप मुक्के दबा लड़िए। अच्छा अब जज गया पारा के भाव में। छह शब्द अचानक गूंगी क्यों हो गई? मेरे मग 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 में जिप जिप होती है। मग को जान चाहे मुझे अब ये बताओ कि तुम उसको सारा इशारे से क्यों समझा रही थी? क्योंकि आप ही ने तो कहा कि हंसा चुपचाप मुकदमा लड़ो। ओह माय गॉड। अरे बोलती हूँ तो कीट पीट, नहीं बोलती हूँ तो कीट पीट। बोलो 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 मत मत बोलो। आप कहते हैं कि बोलो। हाँ तो हिमांशु,
जब मेरे प्रफुल और ये इंस्पेक्टर चक्कू सिंह के घर पे आए तो उन्होंने कमरे में क्या देखा? उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में छुरा है और चक्कू सिंह के पेट में छेद है बड़ा। ओ छेद, फिर क्या हुआ? फिर इसी इंस्पेक्टर ने हिमांशु की तारीफ की। करोनर, मैंने तारीफ कब की? क्यों, आपने नहीं कहा हिमांशु हैंड्स अप हैंड्स अप? फिर शुरू होगा मेरी गो राउंड। हंसा भाभी हैंडसम और हैंड्स अप के बीच में गड़बड़ कर रही हैं। शट अप शट अप। ए चलिए चलिए, शट अप तो कमीज ऊपर करने का इंग्लिश शब्द है जॉर्ज। अच्छे भाई, ओके ओके। हैंड्स अप मतलब सुपक, अच्छा दिखने वाला आदमी। हाँ, अभी समझा। इंस्पेक्टर ने हिमांशु की तारीफ की। अरे लेकिन की हैं तो इससे साबित क्या होता है? यही कि हिमांशु ने चक्कू सिंह को छुरा नहीं मारा है। कैसे? अगर हिमांशु ने चक्कू सिंह को छुरा मारा होता तो ये इंस्पेक्टर हिमांशु की तारीफ करता। बोलिए क्या 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 बोलूं? जज साहब आप ही बोलिए बोलिए बोलिए। जीते जीते। वाह वाह मेरी हंसक कली, क्या केस लड़ी हो? ए तारिक पे तारिक, दामिनी लेडीज सनी देओल। ए हो गया, साबित हो गया। हो गया मेरी बात। ए चल हिमांशु। चलो ए जीत गया। अरे क्या चल हिमांशु, बंद करो। जज साहब रोकिए इन्हें। आश्चर्य भाई आश्चर्य। इस हिमांशु ने चक्कू सिंह की धन दौलत हत्याने के लिए बड़ी बेरहमी से उसे मारने की कोशिश की है। एक हाथ में छुरा, साइड में अकबर इंसान और छुरे पे उंगलियों के निशान। अब क्या हुआ? ऐसे कुछ भी मत बोल, ब्लैक एंड व्हाइट। करोनर बोलो। हिमांशु चाह कर भी चक्कू सिंह की दौलत नहीं हत्या सकता था। हाँ, क्योंकि उसने तो मेरे मरने के बाद मेरी सारी धन दौलत गरीबों में बांट देना, यही मेरी आखिरी रवाइश है, ऐसा लिखा है अपनी इस आत्महत्या की चिट्ठी में। हाय लोग, चक्कू सिंह ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आत्महत्या दिखा, जज को चिट्ठी दिखा। ए जज देख। हाँ ये देखिए क्या है, दिखाता है फिर खुद देखता है। मैं अपने आप को चक्कू मार रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी सारी धन दौलत दान में दे देना, यही मेरी आखिरी रवाइश है चक्कू सिंह। नहीं हिमांशु, ये रवाइश नहीं, ये ख्वाहिश लग रही है। नाम बड़ी बहन आर फोर डोसा। अरे आर फोर डोसा नहीं, डी फोर डोसा। हाँ। मैं मसाला डोसा की बात कर रहा हूँ। तो फिर एम फोर मसाला डोसा आएगा, आर कहाँ से आया? वो रवा मसाला डोसा निकला तो। चिट्ठी तुम लोग के पास थी तो तुम लोग ने बताया क्यों नहीं? अरे बता देते तो फिर हिमांशु और परमिंदर अलग अलग कैसे होते? अरे पुतला बना कर रखना चाहिए इन दोनों का म्यूजियम में। मम्मी मम्मी सारी बातों बाद में, चलो चलो सुबह 7 बजे से पहले चंडीगढ़ पहुँचना है। एक मिनट। रास्ता पता है चंडीगढ़ का? मुझे पता है, मैं 6 महीने पहले गया था वहाँ हंसा के लिए गजरे लाने। देखी मन? हाँ। हाईवे से सीधा। हाँ। फिर जयपुर मेन सिग्नल के नीचे एक काला कुत्ता बैठा होगा। हाँ। ऐसे करता हुआ। हाँ। वहाँ से लेफ्ट। भले प्रफुल्ल कहते, तू तो 6 महीने पहले वहाँ गया था, अभी तक वो काला कुत्ता जयपुर के मेन सिग्नल के नीचे ही बैठा होगा। करता हुआ भाग गया होगा तो? तो क्या बाबू जी, जयपुर मेन सिग्नल तो वही होगा ना। हाँ। हमें लेफ्ट वहाँ से लेना, कुत्ता वहाँ हो या ना हो। और आपको गधा गधा कहते रहते गोगे। अरे चलो चलो जल्दी चलो चलो। अरे चलो। हाँ बापू। हाँ ये गाड़ी चलती है। ठीक है चलो 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 चलो, जय श्री, चलो जल्दी। देखिए मैं हो गई तैयार। हाँ सब ठीक है अंशा, तुम अंदर बैठो। धक्का मत मारिए। चल चक्की अंदर खिसक। जल्दी चल चल। नाउ परमिंदर विल मैरी हिमांशु। कैंसल परमिंदर।
देख लाडो रानी आ गई तेरी बारात हमारी हवेली पे। गुरुद्वारे जाने से पहले वरमाला डाल देना परमिंदर के गले में। बार बार लगातार क्राइम समाचार पर ब्रेकिंग न्यूज, हिमांशु और परमिंदर की प्रेम कहानी ने एक अनोखा मोड़ ले लिया है। अभी मम्मी, मम्मी रुको, अरे मम्मी रुको। परमिंदर, ओ परमिंदर, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो नीचे, बारात आ रही है। अरे मम्मी टीवी पर तो देखो, हिमांशु अंकल। हिमांशु अंकल, हिमांशु को बाइज़त रिहा कर दिया गया है। नाउ ओवर टू कनिष्का। चंपू सिंह आलूवालिया भी इसी अस्पताल में है, पूरे होशो हवास में आ चुके हैं। ओवर टू मिस्टर आलूवालिया, बताइए क्या हुआ था उससे? मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, भगवान के दया से बच गया, कल फिर कोशिश। ये रहे लबे पेड़, फटाफट उतरो सब लोग। चलो चलो सब लोग जल्दी उतरो, चलो चलो। मैं तो थक गई भाई साहब। अरे प्रफुल्ल आई आई, वो देखो परमिंदर की शादी हो रही है। कब परमिंदर? शादी मत करो, मैं आ गया हूँ। परमिंदर, परमिंदर के पापा। सियापा रुको, बेड़ा गर्क हो गया है। परमिंदर के पापा, परमिंदर के पापा सुनो। अरे परमिंदर, परमिंदर, हिमांशु रुक जा। नहीं परमिंदर भैया, हमें उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। पीछे, वो हिमांशु निर्दोष है। देखो हिमांशु बाइज्जत रिहा होकर खुद चला रहा है घनचक्कर। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो गोलियां चलेंगी। ये हत्यारा है, हत्यारा। चकूबाजी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पीजी, हिमांशु ने उनका मर्डर करने की कोशिश नहीं की थी। परमिंदर, परमिंदर के गले में वरमाला मत डाल। हिमांशु, परमिंदर, परमिंदर, हिमांशु घास में क्या टूट रहा है? अरे वो गिर गया है पापा। हिमांशु ठीक है ना? परमिंदर, परमिंदर के गले में वरमाला मत डालना। अरे वो तो वैसे भी वरमाला नहीं डाल सकती पुत्र। हाँ? मेरा पुत्र तो शादी करने के लिए आया ही नहीं है, वो देखो। हेलो, घोड़ी पर दूल्हा क्यों नहीं है? उसे तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है। क्यों? ले, फिर भी आप लोग बारात लेके आ गए। अरे लड़की की शादी पे अगर बारात लेकर नहीं आएंगे तो लड़की वालों की क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ वो तो है। हाँ हाँ, अब तो टीवी पर भी आ गया, हिमांशु पूरी तरह से निर्दोष है। प्राची, प्राची, मुझे मुझे जाने दो ना। परमिंदर भैया प्लीज। देख लाडो रानी, हिमांशु बुला रहा है, इतना प्यार तुझे कोई नहीं कर सकता। हिमांशु, गबरू जवान मेरे को माफ कर दे। बोलो। परमिंदर, हिमांशु, मैं मेरी प्रेम कहानी को महान बनाना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया मेरी बा क्या कहती थी। वो कहती थी, हर वो प्रेम कहानी महान होती है जिसमें दो प्रेमियों के बीच सच्चा प्यार हो। हिमांशु, मुझसे शादी करके क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगे? ए, मेरी बात तो गुजर चुकी है, इसलिए मेरी बाकी जिंदगी तो तुम मेरे साथ नहीं निभा पाऊंगा, पर मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगा, क्योंकि आई लव यू परमिंदर।
चाहिए। लेगा गुरु जवान ले लाडो रानी चले मांझू डाल दे वरमाला डाल दे अरे मूछो वाले हंसा क्या हुआ अरे डाल दे वरमाला मतलब नीचे नहीं शमशादी अब बाबूजी देखे ना सबके सामने मुझे ऐसे हिमांशु बाबूजी को मार गोली बोले भैया टेंशन को तू कस के चांटा लगा अपने चेहरे से तू आपको ऐसे सारी चिंता हमें तो लड़की से मतलब है लड़की और शादी की लाडो रानी को क्या हुआ है चिकन बॉक्स तंदूरी या मटन चिकन परमिंदर चिकन टिक्का बॉक्स शादी की वेरी गुड गोइंग फॉर शॉट खिचड़ी 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 खुशियों की रेसिपी खिचड़ी बाय बाबूजी बाय खिचड़ी वो बाय बाय बोल रहा है आप परमिंदर आइए बड़ी बहन अब इन हालात में आज के दिन तो डांसिंग की खिचड़ी बना डांसिंग की खिचड़ी बना भंगड़ा गुजराती गरबा मराठी डांडिया पंजाबी यारो लावणी लचकती थोड़ा कथक भी थोड़ा डिस्को भी यारो सबकी स्टाइलों का कॉकटेल बना खुद को पिला दे जरा सब कुछ भुला के सबको नचा के सी 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 बो सैंडविच एस फोर सैंडविच क्या अबे चीज सैंडविच की बात कर रहा हूं बाबू म्यूजिक की खिचड़ी बना ये नहीं म्यूजिक की खिचड़ी बना धम धम ढोल भी रॉक एंड रोल भी वेस्टर्न वीणा बजाओ सारे मी फा सोला नी सा सरगम दोनों ही गाओ पूरब में पश्चिम के सुर को मिला के तू दक्षिण की धुन को बजाओ धुन सुना के सबको नचा के हिला दे मस्ती के तेज का तड़का लगा के दिल को खिला दे यारा पिछले महीने की मेरी चंदा ऑफ हो गई कैसे ऑफ हो गई किसी ने उसकी स्विच बंद कर दी कभी बिजली चली गई रुला दिया